नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसको लेकर काफी लोगों ने ऐसा पूछा है कि ये DRDO द्वारा बनाई गई डिवाइस है, वो पहली बार देख रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो बेसिकली ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम है। और इनिशियली जब किसी ने इस पिक्चर में मुझे टैग किया था तो मैंने पिक्चर को ज्यादा गौर से देखा नहीं था। मुझे लगा ये DRDO का जो HPM सिस्टम है वो है, जिसको अभी हाल ही में DRDO ने टेस्ट किया था। लेकिन ये DRDO का जो बीम डिलीवरिंग सिस्टम है आदित्य, वो है जिसे DRDO की लैब सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस CHESS ने डेवलप किया है। और इसके लिए जो लेजर टेक्निक है वो डेवलप किया है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने, लैस्टेक ने। तो जो लैस्टेक लैब है वो बहुत सारे जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है उनके लिए जो लेजर्स है वो डेवलप करती है। और इसी का एक प्रारूप अभी डिफेंस एक्सपो में भी लगाया गया था एक आर्मी व्हीकल पे, जो कि डैजलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में था। अभी फिलहाल बात करेंगे आदित्य सिस्टम के बारे में, जो कि एक 100 किलोवाट का मल्टी मोड गैस डायनेमिक लेजर सिस्टम है। तो बेसिकली दो तरह के जो लेजर सिस्टम है वो लैस्टेक ने डेवलप किया है। आपका पहला है गैस डायनेमिक लेजर सिस्टम और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर, यानी कि कॉयल। तो ये दो तकनीक डेवलप की गई है लैस्टेक के थ्रू, और जिसको एप्लीकेशन में लाती है जो DRDO की सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस है वो। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि जो आपके गैस डायनेमिक लेजर होते हैं वो क्या होते हैं, और जो आपके केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर वो क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम आदित्य के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेंगे गैस डायनेमिक लेजर की। तो गैस डायनेमिक लेजर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि जो भी आपके गैस डायनेमिक लेजर होते हैं वो काफी पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि एक सेम अमाउंट ऑफ इनपुट के लिए जो आपको आउटपुट मिलता है, यानी कि लेजर बीम की जो डेंसिटी होती है और जो पावर होती है वो काफी हाई होती है जो भी आपके गैस डायनेमिक लेजर होते हैं उनमें। तो आपके गैस डायनेमिक लेजर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, गर्म हाई प्रेशर वाले गैस को ले लेते हैं, और ये गैस अमूमन होती है CO2, N2 या फिर आपके H2O या हीलियम हो सकती है। तो इन गैसों का एक मिक्सचर जो कि हाई टेम्परेचर पे हो और हाई प्रेशर पे हो, उसको एक सुपरसोनिक नोजल में एक्सपेंड किया जाता है। और इस एक्सपेंशन के दौरान ये जो आपके मिक्सचर ऑफ गैस है इनका जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो हो जाता है, और जिसके वजह से ये एक लेजर मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर इस लेजर मीडियम को एक कैविटी में ले जाया जाता है, जहाँ पे अमूमन जो भी आपकी कैविटी होती है वो दोनों तरफ से मिरर से बंद होती है। तो उसमें जैसे ही आपका जो लेजर मीडियम है वो एंटर करता है, जो कि आप पीछे से लेके आ रहे हो, तो आपके कैविटी के बंद होने की वजह से, जो कि मिरर से बंद किया गया है, एक लेजर बीम इस कैविटी के वर्टिकली निकलती है। और उसके बाद आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो भी लेजर की स्पीड है उसको सबसोनिक किया जाता है। तो ये आपका मोटा मोटा जो गैस डायनेमिक लेजर्स हैं उनका प्रिंसिपल है। बात करोगे अगर जो भी आपके केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर्स होते हैं तो एक किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके प्रोडक्शन के लिए एक गैसियस क्लोरीन में जो भी आपके मॉलिक्यूलर आयोडीन है उसके साथ साथ एक एक्वस मिक्सचर जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, तो इन सबको आप मिला देते हो तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि एक्वस परऑक्साइड के सॉल्यूशन और क्लोरीन के साथ होती है। और इस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एक हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद जो भी आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी एनर्जी जो भी आयोडीन मॉलिक्यूल है जो कि गैस स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसको वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो काफी रैपिड होती है, जो आपको एक हाई इंटेंसिटी का जो बीम है वो देखे जाती है। तो ये दो तरह के मेथड हैं जिसको DRDO की लैब डेवलप कर चुकी है। स्पेशली बात करते हो लैस्टेक द्वारा बनाए गए 100 किलोवाट वाले आदित्य सिस्टम के बारे में, तो इसमें मूलतः तीन प्लेटफॉर्म है। पहला है आपका लेजर जनरेशन सिस्टम व्हीकल LGV, दूसरा है एयर सप्लाई सिस्टम व्हीकल ASV, और वहीं पे तीसरा है बीम डिलीवरिंग व्हीकल यानी कि BDV। और इसके साथ साथ जो कुछ कंट्रोल सब सिस्टम है वो भी मिलकर काम करते हैं आदित्य लेजर सिस्टम में। तो सबसे पहले डिटेल में बात कर लोगे जो इसका लेजर जनरेशन व्हीकल है वो किस प्रकार से काम करता है, तो उससे पहले जो भी हमने जो प्रक्रिया है गैस डायनेमिक लेजर को लेकर वो एक्सप्लेन की है उसको एक बार देख लेते हैं। तो संक्षेप में अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम आपको दिखेगा गैस डायनेमिक लेजर्स का, जहाँ पे पाइप्स के थ्रू जो भी आपके फ्यूल रिक्वायर्ड है उनका इंटेक लिया जाता है, और उसको एक कंबशन चैम्बर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे पहुंचाया जाता है, और उसके बाद इस मिक्सचर को पास करा लिया जाता है सुपरसोनिक नोजल से, और सुपरसोनिक नोजल में एक्सपेंशन के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको वर्टिकली दो मिरर के थ्रू जो कि दो एंड पे होंगे उनसे आउटपुट जनरेट किया जाता है। और इस जनरेशन के बाद जो बाकी के एलिमेंट होते हैं वो नंबर 6 से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिधर आपका जो डिफ्यूजर है वो लगा होता है। तो ये पूरा सिस्टम आपको एक टेबल पे छोटे से डिवाइस में दिख रहा होगा, और इसको यहाँ पे हम एक लार्ज स्केल में जनरेट करने के लिए आदित्य में क्या कर रहे हैं, एक टोल्यून मॉड्यूल ले रखा है हमने जो कि आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा। और ये क्या करता है, आपको जो भी गैस जनरेट करनी है उसका एक मिक्सचर तैयार करता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। तो बेसिकली आपका जो टोल्यून है वो एक एयर कम्बस्टर सिस्टम है जो कि एक क्लीन कम्बशन करके CO2, N2, H2 और O2 ये जनरेट करता है एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में, और इस हाई प्रेशर लेजर फ्यूल को नाइट्रोजन सिलेंडर की हेल्प से और भी प्यूरीफाई करके इंटेंसिफाई करके ये आगे भेजता है जो भी आपके मल्टीपल पाइप्स दिख रहे होंगे आपको येलो सेक्शन में वहाँ पे, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और ये पाइप्स कनेक्ट होती हैं सुपरसोनिक नोजल से, और वहाँ पे एक्सपेंशन के बाद आप देख रहे होंगे दोनों एंड पे
मिरर्स लगाए गए हैं जहां से आप लेजर आउटपुट जनरेट करवा लोगे, और जो बाकी के एलिमेंट होंगे जैसे कि पिछले डायग्राम में नंबर 6 से एग्जॉस्ट हो रहे थे, यहां पे वो डिफ्यूजर में चले जाएंगे। तो यह है पूरा आपका सिस्टम, और एंड पे आपको दिख रहा होगा TCD जो कि एक थर्मल कंडक्टिव डिटेक्टर है, और स्पेशली वहां पे प्लेस किया गया है जो भी एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं जिनके द्वारा लेजर प्रोड्यूस कर लिया गया है, तो उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करोगे आदित्य के ही ASV के बारे में, यानी कि एयर सप्लाई व्हीकल के बारे में, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये जो आपका एयर सप्लाई व्हीकल है वो कंप्लीट करता है। और ये जो लेयर प्रोड्यूस हो गई है इसके प्रोडक्शन के बाद, लेयर को इंटेंसिफाई करके और रेजोनेट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए टेलीस्कोप की हेल्प से आप इस्तेमाल कर लेते हो बीम डिलीवरी व्हीकल का, यानी कि BDV का। तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार के सिस्टम दिए गए हैं जो कि लेयर को एम्पलीफाई करके पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेलीस्कोप की हेल्प से पॉइंट करने में सक्षम होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका पूरा सिस्टम है। तो इस सिस्टम की हेल्प से, जो कि इस्तेमाल करता है तकरीबन 100 किलोवाट की पावर, आप हिट कर सकते हो किसी भी टारगेट को 0.8 मीटर से लेके 2500 मीटर के बीच में। और ये जो रेंज है वो एक फिक्स अपेचर के लिए है, मतलब 0.7 मीटर के अपेचर के लिए है। तो ये हर तरह के टारगेट को हिट करने में सक्षम है, चाहे वो स्टैटिक टारगेट हो या फिर मूविंग टारगेट हो। और इसका इस्तेमाल करके आप हर तरह के जो UAV है उनको हिट कर पाओगे। वहीं पर अगर आप बात करो DRDO के ही कॉयल सिस्टम की, और इस सिस्टम को लेकर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो भी आपके ऑक्सीजन के सिंगलेट होते हैं वो जब आयोडीन से इंट्रैक्ट होते हैं तो हीट ट्रांसफर करते हैं, और उस हीट ट्रांसफर का आप इस्तेमाल कर लेते हो लेजर के जनरेशन में। तो इस तरह के सिस्टम को लेकर लैस्टेक ने मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप कर लिए हैं, चाहे वो 10 किलोवाट का हो, 20 किलोवाट का हो, और अभी फिलहाल ये काम 100 किलोवाट से लेके 150 किलोवाट तक के सिस्टम पे चल रहा है। और वहीं पे कुछ फाइबर लेजर सिस्टम भी लैस्टेक ने डेवलप किए हुए हैं जो कि सिविलियन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, चाहे वो लेजर ऑपरेशन हो या फिर लेजर के जो अदर एप्लीकेशन हो वो हो। इस तरह के फाइबर लेजर का इस्तेमाल जो रेंज फाइंडर है उनमें भी किए जा रहे हैं। तो DRDO के जो भी लेजर प्रोग्राम है वो अपने अलग अलग एडवांस स्टेजेस पे हैं। तो अभी आपको हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के बाद सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया है, ताकि वो जो भी दुश्मन के UAV है या ऐसी कोई एडवांस कंडीशन बन जाती है तो उसको टैकल किया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।